नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द यूनिक यूनिवर्सिटी में। आज का हमारा टॉपिक है नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि हमारे भारत के इतिहास का एक पन्ना है। इसे भी हमें जानना अति आवश्यक है। नालंदा प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विख्यात केंद्र था। शैव धर्म के इस शिक्षा केंद्र के साथ ही अन्य धर्मों के तथा अनेक देशों के छात्र भी यहाँ पढ़ने आते थे। वर्तमान बिहार राज्य में पटना से 88.5 किलोमीटर दक्षिण पूर्व और राजगीर से 11.5 किलोमीटर उत्तर में एक गांव के पास अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा खोजे गए इस महान बौद्ध विश्वविद्यालय के भग्नावशेष इसके प्राचीन वैभव का बहुत कुछ अंदाज करा देते हैं। अनेक पुराभिलेखों और 7वीं शताब्दी में भारत के इतिहास को पढ़ने आया था। इसके लिए चीनी यात्री ह्वेनसांग तथा इत्सिंग के यात्रा विवरणों को इस विश्वविद्यालय के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ 10,000 छात्रों को पढ़ाने के लिए 2,000 शिक्षक थे। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग ने 7वीं शताब्दी में यहाँ जीवन का महत्वपूर्ण एक वर्ष एक विद्यार्थी और एक शिक्षक के रूप में व्यतीत किया था। प्रसिद्ध बौद्ध सारिपुत्र का जन्म भी यहीं पर हुआ था। अगर इसके इतिहास की बात करते हैं तो इसका निर्माण कुमारगुप्त प्रथम 5वीं शताब्दी में किया था और परित्यक्त इसका 13वीं शताब्दी में हो गया। इसकी संस्कृत बौद्ध धर्म से है, जी द्वारा इसे नष्ट कर दिया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय कला का एक अद्भुत नमूना है। कहा जाता है कि इस विश्वविद्यालय में 300 कक्ष, 7 बड़े कक्ष और अध्ययन के लिए 9 मंजिला विशाल पुस्तकालय हुआ करता था, जिसमें उस वक्त 3 लाख से ज्यादा किताबें मौजूद थी। नालंदा विश्वविद्यालय को तक्षशिला के बाद दुनिया का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय माना जाता है। जल्दी ही बनाएंगे तक्षशिला पर भी एक वीडियो। जानते हैं नालंदा विश्वविद्यालय के पीछे की कहानी। इस विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त द्वारा 450 से 470 ईस्वी में की गई थी। 9वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक इस विश्वविद्यालय को अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त थी, लेकिन अब यह एक खंडहर बनकर रह चुका है, जहां दुनिया भर से लोग घूमने के लिए आते हैं। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय स्थापत्य कला का एक अद्भुत नमूना है। ऐसा ही नहीं है कि नालंदा विश्वविद्यालय को केवल बख्तियार खिलजी ने जलाया था, बल्कि नालंदा विश्वविद्यालय को विभिन्न आक्रमणकारियों द्वारा लगभग 3 बार नष्ट किया गया। पहला विनाश मिहिर कुल के शासन काल में हूणों द्वारा किया गया था और दूसरा विनाश 7वीं शताब्दी के दौरान गौड़ों द्वारा किया गया था। इस बार बौद्ध राजा हर्षवर्धन ने फिर से विश्वविद्यालय का जीर्णोद्धार कराया था। नालंदा विश्वविद्यालय को हम नालंदा महाविहार के नाम से भी जानते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगवा दी थी, और कहा जाता है कि विद्यालय में इतनी सारी पुस्तकें थी कि आग लगने के 3 महीने बाद तक यहाँ आग धधकती रही। इस पर भी एक वीडियो बनाएंगे कि किस प्रकार से नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया गया था और हमारे इतिहास को पता नहीं कितना खत्म कर दिया गया। कुछ लोगों का मानना है कि नालंदा विश्वविद्यालय को ब्राह्मणों ने नष्ट किया था, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था और उसको उसने गर्व से अपने दरबारी अभिलेखों में पुनः प्राप्त किया था। बख्तियार खिलजी मोहम्मद गौरी का एक तुर्की अफगान जनरल था, जो आधुनिक बिहार और बंगाल के पूर्वी भारतीय हिस्सों को तुर्क नियंत्रण में लाने के लिए जिम्मेदार था, और यही घटना सत्य है। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। जल्दी ही मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जुड़े रहिए हमारे साथ द यूनिक यूनिवर्सिटी से। धन्यवाद।